डॉक्टर साहब एक बात बताइए, बरसात का मौसम चल रहा है, कई बार लोग बाहर में इतना बारिश होता है भीग जाते हैं जाने अनजाने, तो क्या ऐसा है कि घर आके कुछ हम ऐसा काम कर ले जिससे सर्दी खांसी बुखार होने से हम बच जाए? बहुत बढ़िया सवाल है कि इसमें सभी लोगों को, और मैं पर्सनली ये चीज़ करता भी हूँ कि आप बरसात में भीग जाए, आपका सर भीग जाए, तो आप जो है आकर घर में तुरंत स्नान कर लें। मैंने आप आधा अधूरा भी भींगे, थोड़ा भी भींगे, तो आप पूरा स्नान कर लें बरसात में। घर है मतलब सर से जी, पूरे सर से पूरे शरीर को आप मतलब भीगा लें, और उससे क्या होता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर जो पूरे शरीर का एक हो जाता है। होता क्या है कि आपका शरीर ठंडा हो जाता है और बॉडी आपका हीट रहता है, उसके कारण आपको हीट का एक्सपोजर, आपको मतलब बीमारी जो आपको एक्सपोज करता है, इसी मतलब टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण होता है। आपका पानी में सर भीग जाता है, शरीर भीगा नहीं रहता, तो बॉडी गर्म रहता है, सर ठंडा रहता है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, जिसके चलते शरीर बीमार पड़ता है। तो आप कभी भी भींग कराएं बाहर से, आप बरसात के मौसम में बरसाती भी पानी रहती भी भीग जाता है शरीर, तो आप आके तुरंत स्नान कर ले और देह हाथ को बढ़िया से पोंछ ले, सर में सरसों तेल लगा ले, हथेली में सरसों तेल लगा ले, तलवा में सरसों तेल लगा ले, तो आप निश्चित बीमार नहीं पड़ेंगे, सर्दी खांसी आपको बुखार नहीं। हल्दी वाला दूध भी अच्छा ऑप्शन है क्या? बिल्कुल, रात को सोते वक्त मैं हल्दी डाल के दूध दे सकते हैं।